जीवित रखने के रूप में, और उसी दिन हम 23 मार्च को जो हमारे अगले कार्यक्रम होंगे, क्योंकि मैं ये भी आप लोगों से अपील करता हूं कि जितने भी गोल्ड चक्कर्स हैं बने हुए, जितने हमारे ग्रेटर नोएडा में गोल्ड चक्कर हैं या हमारे फरीदाबाद में गोल्ड चक्कर हैं या हरियाणा में अन्य स्टेटों में जहां पर भी गोल्ड चक्कर हैं, उन गोल्ड चक्करों पर क्राइम प्रिंट या फोर्स की टीम ये भी कार्य करेगी कि हर गोल्ड चक्कर पर हम किसी न किसी शहीद के नाम से उस गोल्ड चक्कर को घोषित करेंगे और उस पर अपनी मूर्ति स्थापित करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है और आने वाले समय में, क्योंकि आज देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की है, जिसको लेकर हमारे आदरणीय जो आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का मेन मुद्दा रहा था चुनावी समय में कि हम हर वर्ष 2 करोड़ लोग युवाओं को रोजगार देंगे। बहुत कार्य हो रहे हैं लेकिन अब तक उसमें सफलता नहीं मिली है। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है जिसके कारण अपराध, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें बढ़ती हैं, क्योंकि जब बच्चा युवा होता है वो पूरी अपनी क्वालिफिकेशन करने के बाद भी अपने आप को बेरोजगार महसूस करता है और अपने घर का संचालन सही से नहीं कर पाता, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं कुछ समय में टूट के विवश होकर गलत रास्ते की तरफ चला जाता है। तो रोजगार को लेकर भी संगठन कार्य कर रही है और अब तक काफी युवाओं को रोजगार दे रही है, क्योंकि जितना औद्योगिकरण है उसमें जहां भी संभव मदद हो रही है। और ये मांग भी हमने अपनी मुख्य मांगों में रखी है कि देश के अंदर जो जिला है, हर जिले के अंदर जितने वहां पर उद्योग हैं उसमें 50% उस जिले के लोगों की भागीदारी होनी चाहिए उनकी काबिलियत के आधार पर। इस मुद्दे पर भी हम कार्य कर रहे हैं और अनेक आंदोलन यहाँ पर हुए हैं, चाहे वो DND का हुआ हो, चाहे सती निहालदे मंदिर की अभी बात चल रही थी, या यादव सिंह चोर जैसे हुए और अन्य, हमने समाज के लिए अलग अलग दिशा में यूं नहीं कि एक ही कार्य पर हम कार्य कर रहे हैं। जो भी मुख्य मुद्दा समय का होता है, समय की जो मांग होती है, उसकी आवाज संगठन उठाता है और बिल्कुल डरने और रिझकने का काम नहीं करता। ये शासन प्रशासन भलीभांति जानता है, क्योंकि यहाँ के अधिकारी आप कहीं पर भी जाएं तो संगठन की एक अलग इमेज यहाँ होती है। जब कोई अधिकारी किसी जिले में आता है, कमान संभालता है जिले की, वो सबसे पहले वो लिस्ट देखता है कि यहाँ पर कौन कौन किस तरीका के नेता हैं, कौन यहाँ दलाल है, कौन पैसा